तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बिजनेस ट्रेड गेम। तो दोस्तों कैसे हो, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नए नए टॉयज, गेम्स और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। गेम को दो से लेकर कितने भी प्लेयर खेल सकते हैं। हम इस गेम को खेलने वाले हैं तीन प्लेयर के साथ में। इसमें हमको मिलता है एक मैन बोर्ड, कुछ करेंसी हमको मिलती है इसके अंदर 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के नोट में, और हमें मिलते हैं कुछ टिकट्स जिनका अभी हम गेम के अंदर यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल गेम है, बहुत ही अच्छा गेम है। बच्चे इस गेम को खेलने वालों के अंदर मनी स्किल डेवलप होती है और उनको शॉपिंग का तरीका समझ में आता है कि पहले उन्हें कौन सी चीज़ शॉपिंग करनी चाहिए, बाद में कौन सी चीज़ शॉपिंग करनी चाहिए। गेम शुरू करने से पहले हम बोर्ड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बोर्ड में स्टार्ट पॉइंट एक दिया हुआ है, यहाँ पे सभी प्लेयर्स को अपने गोटी रखनी है और फिर यहाँ से हम गेम को स्टार्ट करेंगे। बोर्ड में कई सारी बास्केट बनी हुई है, ये रेड कलर की जो लाइन है इन पे जो बास्केट बनी है, यदि इन बास्केट पे हमारी गोटी आ जाती है तो हमें रेड वाले से शॉपिंग करनी है, मतलब टॉयज की शॉपिंग करनी है। यदि ब्लू वाली लाइन की बास्केट में हमारी गोटी आ जाती है तो हमें ब्लू वाली से यानी ग्रॉसरी से शॉपिंग करनी है। ऐसे ही येलो के अंदर हमें एसेसरीज से शॉपिंग करनी है और ग्रीन के अंदर हमको बेकरी से शॉपिंग करनी है। शॉपिंग का तरीका कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले खरीदेंगे हम सबसे सस्ती चीज़, जिससे कि हम इस गेम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकें। जो भी प्लेयर इस गेम में सबसे ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा गेम वही जीतेगा। हमें जो इसके अंदर नोट दिए गए हैं हम उसको बराबर बांट लेंगे और कुछ पैसा इसके अंदर हम बैंक में भी रखेंगे, क्योंकि बैंक इसके अंदर रोल निभाता है। तो फिर स्पेशली हम एक प्लेयर को बैंक की बना देंगे और यदि हम चाहें तो सभी प्लेयर्स मिलके बैंक को डील कर सकते हैं। हम गेम को शुरू करते हैं अब। और तो शुरू करने से पहले हम सभी प्लेयर्स को हम जल्दी से हम नोट बांट लेते हैं और ये जो हमें टोकन्स हैं ये हमें इनके प्लेस पर रखने हैं। जैसे ये आइसक्रीम है तो हमें आइसक्रीम को आइसक्रीम के ऊपर रखना होगा, तो इसी तरीके से हम सारे टोकन्स जमा लेते हैं। दोस्तों हमने गेम को पूरी तरीके से सेट कर लिया है, तीनों प्लेयर्स की गोटी हमने स्टार्ट पॉइंट पे रख दी है। हमारे पास एक डाइस है इसको चलने के लिए, सभी प्लेयर्स को हमने मनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और एक प्लेयर है रेड, दूसरा है ब्लू, तीसरा है येलो और ये हमारा बैंक। तो हम गेम को शुरू करते हैं, कोई भी प्लेयर गेम को शुरू कर सकता है। तो हम मान लेते हैं कि रेड प्लेयर गेम को शुरू कर रहा है। इसमें ओपन करने का कोई नियम नहीं है। रेड का दो आ गया चलते ही, तो रेड का चलते ही दो आ गया तो उसने एक और दो। अब दो पे क्या है, शॉपिंग बैग है, बास्केट है, तो इसका मतलब अब वो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो अब रेड प्लेयर शॉपिंग करेगा तो सबसे पहले वो सबसे सस्ती चीज़ खरीदेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें इकट्ठी कर सके। तो उसने मान लो 25 रुपये के बैलून ले लिए, तो वो अपने करेंसी नोट्स के अंदर से 25 रुपये निकालेगा। तो 5 का एक नोट निकाल लिया और एक उसने 20 का नोट निकाल लिया, तो 20 और 5 25 रुपये वो बैंक को पे कर देगा कुछ इस तरीके से, और बैंक इसके बदले में उसको ये 25 रुपये का टोकन दे देगा। जैसे जैसा इस पे बोर्ड पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उस तरीके से इस गेम को खेलना है। अब बारी है ब्लू प्लेयर की, तो ब्लू प्लेयर जब इसको चलता है, ब्लू प्लेयर का 5 आया तो वो चलेगा 5 1 2 3 4 5। अब इस पे लिखा हुआ है कि पे 20 टू बैंक। अब ब्लू प्लेयर को 20 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को और इसके बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये उसके ऊपर पेनल्टी लग गई है। तो ब्लू प्लेयर अपने पैसों में से 20 रुपीज़। तो दोस्तों इसी तरीके से गेम चलता रहेगा और यहाँ पे ये जैसे ही बोनस के भी पॉइंट्स है, यदि मान लो कोई किसी प्लेयर की गोटी यहाँ आ जाती है तो उसको 100 रुपये बैंक से मिलेंगे। इस तरीके से ये घूमता रहेगा जिस तरीके से इस पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, जैसे यहाँ पे 50 रुपीज़ बैंक को पेमेंट करने पड़ेंगे। तो हम इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इस गेम को खेलेंगे और यदि कोई भी प्लेयर पूरा एक राउंड काट के और वापस इसको पास कर देता है स्टार्ट पॉइंट को तो उसको 50 रुपये बैंक से मिलेंगे। अब हम इसको लगातार खेलते हैं और देखते हैं कौन इस गेम को जीतता है। दोस्तों अब इस गेम के अंदर एक भी टिकट नहीं बचा तो ये गेम ख़त्म हो गया और इस गेम को ब्लू प्लेयर जीत गया है, क्योंकि उसने इतने सारे टिकट इकट्ठे कर लिए हैं, बाकी दोनों प्लेयर टिकट इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों जब आप इस गेम को खेलोगे तो आपके अंदर एक अलग ही तरीके की स्किल डेवलप होगी कि उन्हें कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत तरीके से हम शॉपिंग करेंगे तो हमारे पास लास्ट में पैसे ख़त्म हो जाएंगे और हम शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको गेम, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यदि आपको गेम आया हो पसंद तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपको हमारी वीडियो इसी तरीके से पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।